आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। इधर क्या क्या लाभ मिल गया आपको? राशन वगैरह ये मिल गया। देखो ये जो महंगाई राहत शिविर है इसमें एक आप तो निशुल्क फूड पैकेट मिलेगा जिसमें दाल होगी, नमक होगा, एक लीटर तेल होगा, मसाले होंगे उसमें। एक आपका नरेगा में जो 100 दिन का रोजगार मिलता है ना, वो इस गारंटी कार्ड से 125 दिन आप काम कर सकते हो। एक आपके पशु हैं? नहीं। पशु होंगे ना, इसमें लिखवाया आपने जाविदा बानों के पशु होंगे कुछ बकरी वगैरह तो है ना, उनमें से 2 पशुओं का बीमा हो गया, तो भैंस या गाय उनका 2 का बीमा हो गया। एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, यानी अब आपका 25 लाख तक का इलाज फ्री है घर में किसी का भी। और एक दुर्घटना बीमा, यानी एक्सीडेंटल क्लेम कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए देगी। ठीक है ना, तो 5 स्कीम का लाभ आपको मिल गया। घर में लाइट कनेक्शन नहीं था क्या? तो फिर वो लाइट का क्यों नहीं करवाया? इसमें क्या क्या लाभ मिला आपको? रुको, इसमें आपको 7 स्कीम का लाभ मिला है, 9 में से 7 मिल गई आपको। एक तो सस्ता सिलेंडर हो गया, बिजली फ्री हो गई, निःशुल्क फूड पैकेट हो गया। पेंशन किसको मिलती है? कितनी कितनी? अब वो जो है 1000 हो गई दोनों की। ठीक है ना, और वही कामधेनु बीमा, 2 पशुओं का बीमा हो गया है, चिरंजीवी बीमा जो 25 लाख का इलाज है वो हो गया है, और दुर्घटना बीमा जो 10 लाख का वो हो गया है। खुश हो? कहाँ खुश यार, आप तो हंसी नहीं रहे हो। महंगाई राहत कैंप गरीबों के लिए एक वरदान की तरह है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 9 तरह की स्कीम का हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो गारंटी कार्ड दिए गए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं। लोगों को एक एक स्कीम के बारे में अवेयर कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि उनको क्या लाभ मिला है, क्या नहीं मिला है। नरेगा हो, रोजगार के क्षेत्र में, या पेंशन हो 1000 रुपये की, या पशुओं के लिए बीमा हो, या खुद के इलाज के लिए, या दुर्घटना बीमा हो, या खाद्यान्न संकट हो तो फूड किट है। मतलब इस कैंप के अंदर ओवरऑल एक व्यक्ति को जो भी जरूरत का सामान होता है वो सारा का सारा गारंटी के रूप में यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो गारंटी कार्ड है उसके माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं। और लोगों का उत्साह हम देख रहे हैं, काफ़ी कैंप किए हैं, आज ग्राम पंचायत बेराड़ा में भी है। साथ में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा कि कैंप के साथ साथ हमारे 23 विभाग और हैं, जिसमें राजस्व भी है, पंचायत राज भी है, कृषि विभाग भी है, PWD भी है, PHED भी है, इरिगेशन भी है, सभी विभाग हैं, हेल्थ भी है। उनसे संबंधित जो काम है उनके लिए भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो आए, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में जो ब्लॉक लेवल के और जिला लेवल के हमारे अधिकारी आए हैं उनको अपनी समस्याएं बताएं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हम कर सकें।